अमेरिका में भारतीयों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन किसी न किसी भारतीय के साथ नस्लीय भेदभाव या हमले की खबर सुनने को मिलती है। अभी श्रीनिवास कुचिभोटला की घटना का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इस बीच अब न्यूयॉर्क से भारतीय मूल की सिख युवती के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार का एक और मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भारतीय मूल की एक सिख युवती राजप्रीत एयर पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए एक अमेरिकी नागरिक ने उसे वापस लेबनान लौट जाने के लिए कहा। आरोप है कि इस शख्स ने राजप्रीत से कहा कि तुम इस देश की नहीं हो, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खबरों के मुताबिक आरोपी को लगा कि राजप्रीत मध्य पूर्व एशिया की रहने वाली हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक राजप्रीत अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए सबवे ट्रेन से जा रही थी। इस यात्रा के दौरान ट्रेन में सवार एक अमेरिकी श्वेत नागरिक लड़की पर चिल्लाने लगा और उसे वापस लौट जाने को कहा। राजप्रीत ने अपने साथ हुए इस वाक्य का एक वीडियो खबर के 10 वीक इन हेट एक्शन में अपलोड किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स यह सेक्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सत्ता में आने के बाद से अमेरिका भर में बढ़ रहे नस्लीय भेदभाव और नफरत के मामलों पर फोकस करता है। अमेरिका भारतीयों के लिए नस्लीय हिंसा का अड्डा बनता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही लगातार ऐसी घटनाओं में तेजी देखने को मिल रही है, जो कि दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। देखते रहिए डीबी लाइव।